आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और आप देख रहे हैं परवेश टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से इंस्टेंट पैन कार्ड बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पैन कार्ड को बनाने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड में आपके मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप कहीं भी इसे दोबारा अगर निकलवाना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने के लिए आपको एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप कभी भी अपना पैन कार्ड खो जाने के बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के आप आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं, और नुकसान ये है कि आपको ये फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये डिजिटल ही पैन कार्ड मिलेगा जो आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं और प्रिंट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंटर करना है www.incometaxindiaoffiling.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, और दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंट पैन कार्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाता है, गेट न्यू पैन एंड चेक स्टेटस डाउनलोड पैन। यानी कि अगर आप अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो गेट पैन पे क्लिक कर, और अगर आपका पैन कार्ड बन जाता है तो चेक स्टेटस या डाउनलोड पैन पे क्लिक करके आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां से हम सबसे पहले गेट न्यू पैन पे क्लिक करते हैं और हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या फिल कर देते हैं। चलिए यहां से हमने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहां पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे। यहां पे हमें 5 स्टेप्स को फिल करना है और फॉलो करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे पहला स्टेप्स है हमारा आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और एक OTP जनरेट होगा जो आपके मोबाइल पे जाएगा, और फिर से सेकंड स्टेप होगा आपको OTP इंटर करना होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड बनाने से पहले आप यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसे आप पहले पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी 5 आपको दिए गए हैं जो स्टेटमेंट, आप यहाँ पे आसानी से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही आप अपना पैन कार्ड बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी दी गई है। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं और जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ कंसेंट देंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP जनरेट हो जाएगा, और OTP जनरेट होते ही यहाँ पे हम OTP इंटर करेंगे, और OTP इंटर करने के बाद हम वैलिड आधार OTP एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंसेंट देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करते ही यहाँ पे पूरी आपकी आधार कार्ड की जो भी डिटेल होगी वो सारी सामने आ जाएगी। उसके बाद हम सबमिट पैन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। हम सबमिट पैन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक हमारा रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, जिसे हम कॉपी करके सेव कर लेंगे, और यहाँ से अपना स्टेटस चेक करने के लिए क्लिक स्टेटस पे क्लिक कर लेंगे, या हम डायरेक्ट होम पे भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। वापस जब हम होम पे आएंगे, होम पे हम आते ही हम यहाँ पे कम से कम 10 मिनट का वेट करने के बाद हम होम पे आएंगे। उसके बाद हम फिर से स्टेंट पैन कार्ड पे ही क्लिक करेंगे और हम स्टेटस चेक करने के लिए या डाउनलोड पैन कार्ड करने के लिए यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर से हम आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड बटन मिलेगी और डाउनलोड पे क्लिक करके हम आसानी से पैन डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, हमारा इंस्टेंट पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है और ये PDF फॉर्मेट में है। हम आपको ये भी दिखाते हैं ये ओपन कैसे होता है। ओपन करने के लिए अब हम फाइल में जाएंगे। फाइल में हम यहाँ जाके माय कंप्यूटर में हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे और डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। चलिए हम यहाँ से डाउनलोड में जाते हैं, और डाउनलोड में जाने के बाद हम यहाँ से जो PDF आपको दिख रही है वहाँ से हम इसे जनरेट कर लेते हैं।
ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फाइल आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टिव होगी। पासवर्ड के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1996, तो आपको इंटर करना होगा 25/10/1996। तो यहाँ पे चलिए हम इंटर कर लेते हैं और ओपन फाइल पे आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कि आपका पैन कार्ड जो है कैसा होगा। यहाँ से जैसे ही हम ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली आपका पैन कार्ड जो है शो करेगा और जो आपका आधार कार्ड पे नाम होगा वही आपका नाम आपके पैन कार्ड पे भी होगा। इसे कहीं भी प्रिंट करके आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो QR कोड दिया है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो सभी चीज़ें इसमें फिल रहेंगी। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि पैन कार्ड बनाना कितना ईजी हो गया है। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, आप वहां भी जाके उसे देख सकते हैं कि फिजिकल पैन कार्ड को कैसे मंगाया जाता है। मैं उसका भी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।